नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं 101 फॉर्मूला ट्रिक्स इन द एक्सेल। ये वीडियो हमने बनाया है 101 फॉर्मूला ट्रिक्स, जिसकी डीवीडी मैं लॉन्च कर रहा हूं, और इसकी डीवीडी आप मेरी वेबसाइट iptindia.com से बाय कर सकते हैं या फिर मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करेंगे एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मान लीजिए एक प्रोग्राम है कि मैं कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, कॉस्ट के अगेंस्ट एमआरपी निकालना चाहता हूँ। तो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पे है 20 50 है, और मैं इसकी एमआरपी निकालना चाहता हूँ, इसकी एमआरपी क्या होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको अगर मैं एक्सेल के थ्रू करूँ, मतलब कि तो मैनुअली क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास जो एमआरपी का जो स्ट्रक्चर है वो है कि अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग कमीशंस हैं। जैसे कि हमारा पहला है 5% का कमीशन, दूसरा है 10%, तीसरा है 15% एंड चौथा है हमारा 20%, राइट? तो 5%, 10%, 15% एंड 20%। तो जो 5% हमारा है, ये जो 5% हम देख रहे हैं, मतलब कि जो मैन्युफैक्चर है 5% कमीशन रख के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर 10% कमीशन रख के होलसेलर को देता है, होलसेलर 15% कमीशन रख के रिटेलर को देता है, एंड रिटेलर 20% कमीशन रख के कंज्यूमर को देता है। तो मैनुअली हम जो कैलकुलेशन करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं कि इसके मल्टीप्लाई किया और हमने इसमें इसको प्लस कर दिया। दिस इज द मैनुअल कैलकुलेशन कि इसका 10% निकलेगा और इसमें हम प्लस करेंगे इस टाइप, एक कंटिन्यूस चल जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि हम एक कैलकुलेशन आपको नहीं सिखा रहे, आप सोच रहे कि कैलकुलेशन क्या है, एक कैलकुलेशन हम आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम फार्मूला, बड़े 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 फार्मूला को हम एक्सेल में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आज मैनुअल है उसको हटाते हैं, मैंने D6 मतलब कि इस पे हम मैनुअल 5% लिख देते हैं, इसमें C6 10%, इसमें हमारा 20%, माफ कीजिए 15% है ना, हाँ 15%, एंड यहाँ पे हमारा 20% है, ये हमारा 20% हो गया। अब मैं ऊपर की जो चीजें हैं इनको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ इसको कॉपी करता हूँ मैं। अब जैसे कि ये देखिए B7 से लिंक है, तो B7 का फॉर्मूला को मैंने कॉपी करके इसमें इसका पेस्ट कर दिया, तो अब B7 को मैं डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद सेम अगर हम C7 को कॉपी करें, और यहाँ जहाँ सी से जहाँ सॉरी B8 पे गए, B8 का फॉर्मूला हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इसको कहते हैं कि बड़े बड़े लेंथी फॉर्मूले को हम इस तरह से अलग अलग सेल में लगाएं और उसको आपस में कंबाइन कर दें। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, फिर इसको कॉपी किया और इसको यहाँ जहाँ पे हमारा C7 है, C7 पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और वापस हम इसको कॉपी करते हैं और यहां D8 पे हम पेस्ट कर देते हैं, और जहां यहां D8 है D8 पे इसको फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, फॉर्मूला को क्लोज करते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूं और इसको हम यहां से कॉपी करेंगे, और जहाँ पे हमारा D7 है इस D7 में इसको हम पेस्ट कर देंगे,
और इसको डिलीट करते हैं एंड वापस इसको हम कॉपी करेंगे, और जहाँ पे हमारा D8 है D8 के जगह पे हम D8 का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे D8 है तो D8 का फॉर्मूला हम यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ B7 को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। और इसको कट करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा फाइनली। तो अब इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना मुश्किल है, मैं भी लिखने की कोशिश करूँगा डायरेक्टली तो मेरी मुझे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन हम इस फॉर्मूला मर्जिंग मेथड के जरिए इजीली कर लिए। तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं VVA की, कि अगर आपके पास नॉलेज है VVA के, चलिए हम आपको VVA का कंसेप्ट बताते हैं। कि अगर मुझे सेम काम VVA के थ्रू करना है कि कॉस्ट हमारे पास 50 है और मुझे MRP निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक पे जाते हैं और रूल एक नया से रूल आएगा, ठीक है बने यहाँ से क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन और MRP का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन और n एज ए लॉन्ग। एक डिक्लेशन हुआ, मतलब कि हमने फंक्शन MRP कर दिया, MRP एक फॉर्मूला लॉन्च हो गया, n एज लॉन्ग किया तो n एज लॉन्ग इनपुट हो गया, तो मतलब कि यहाँ हम MRP का फॉर्मूला लगाएंगे और B2 को सिलेक्ट किया, तो B2 क्या है हमारा, B2 हमारा रेंज है, तो सेल वैल्यू B2 की वैल्यू स्टोर हो गई किस पे, n पे। अब मैं यहाँ पे एक लेता हूँ डिम आर एज ए रे लॉन्ग या डबल डबल लेता हूँ, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो डबल सही रहेगा, और आर इक्वल टू n प्लस n मल्टीप्लाई बाई 0.05%। देखिए 5% को 100 से डिवाइड करके डाला होगा, क्योंकि परसेंटेज का सैम्बल जो है ये अलाउड नहीं होता है इसके अंदर। और सेम इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आर हो जाएगा और 5% जो है वो 10% हो जाएगा। इसको कॉपी किया और यहाँ 15% और ये आपका हो जाता है 20%, और लास्ट में हमारा MRP इक्वल टू आर रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके एंटर मारता हूँ, देखिए 79 आ गई। अब इसको चाहते हो कि इसको इसमें फिगर मतलब ये डेसिमल्स में ना आए, तो अलग से फॉर्मूला लगाने की जगह है कि यहाँ ही पे कर दीजिए एज ए लॉन्ग, तो ये डेसिमल्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, देखिए। लेकिन इससे पहले वाले फॉर्मूला में बात करें तो इसमें डेसिमल हटाना है आपको, तो इसमें एक और फॉर्मूला स्टार्ट में लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा इंट का, जैसे या फिर राउंड करना है राउंड अप करना है राउंड करना है तो राउंड का, आर ओ राउंड सॉरी रोमन हो गया RON राउंड, हाँ लास्ट में कॉमा जीरो करना पड़ेगा। कहीं मिसिंग है, अब देखिए नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वही फॉर्मूला मर्जिंग में था, कभी कभी दिक्कत हो जाती है मेरी भी फॉर्मूले में, तो कॉमा जीरो हमने कर दिया और फिर हम इसको पूरे को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और जहाँ हमारा B4 है उसके जगह पेस्ट करके एंटर मारते हैं। अब एक्सेप्ट कर लिया, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ये हमारा पहली ट्रिक्स हुई जिसमें हमने बताया कि हम MRP कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के थ्रू भी और VVA के थ्रू भी। अब अगर आप मेरी इस DVD को परचेज करना चाहते हैं तो 2500 रुपीज़ का एक DVD है जिसको आप मेरी वेबसाइट iptindia.com से परचेज कर सकते हो, और आपको 3 से 4 दिन पे इसकी DVD आपके घर पे आ जाएगी, साथ में इसका जो डेटा है वो भी डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा।
तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट जाइए मेरी वेबसाइट पे, बाय डीवीडी पे क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और डीवीडी को बाय कर लीजिए, और ये आपकी डीवीडी फर्स्ट एडिशन में आपको मिल जाएगी। और मैं ज़रूर बताऊंगा यदि पहली भी है, लेकिन इसमें हमें इसी तरीके के 100 से ऊपर एग्जाम्पल को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप एक्सेल जानते हैं और आप और अच्छा शार्प करना चाहते हैं और अच्छा अलग अलग तरीके से सोचने चाहते हैं तो ये डिग्री आपके लिए परफेक्ट है। और कोई भी डाउट वगैरह हो या हमारी ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स की क्लास लेनी हो ले सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाएं, मुझे कॉल करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और कोई भी डाउट्स वगैरह के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।